पारालंपिक्स इतिहास रे जोड़ी हला नुआ अध्याय आज सकाळ थिला भारत पाई स्वर्णिम सकाळ टोकियो पारालंपिक्स रे आज भारत को मिली आउ चारि पदक प्रथम थर पाई 10 मीटर एयर राइफल रे स्वर्ण जीतिले 19 वर्षीय अवनी लखेरा पारालंपिक्स रे स्वर्ण पदक जितबारे अवनी देशर प्रथम महिला सेहिपरि डिस्कस थ्रो रे मध्य भारत को मिली सफलता भारत पाई रौप्य पदक जीति जोगेश खटुनिया सेपटे जावलिन थ्रो रे भारत को मिली 2 पदक भारत पाई पदक जीति देवेंद्र जाझरिया और सुंदर सिंह देवेंद्र को रौप्य पदक मिलता बेले सुंदर ब्रोंज पदक हासिल करतीसह टोकियो पारालंपिक्स रे भारत पदक संख्या 7 रे पहुंची से बढ़कर और कोई खुशी हो ही नहीं सकती कि हमारी पोती अब नील लेखरा ने ओलंपिक में गोल्ड जीता है और ये इसकी मेहनत का मतलब फल इसको मिला है, इसे बहुत ही खुशी है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है मेरे को डब्बू के ऊपर। आप डब्बू बुलाते हैं प्यार से? हम नहीं लेकर रहा। अच्छा, आप ही लेकर। तो जन्माष्टमी का गिफ्ट दे दिया आपको उन्होंने? हाँ, और क्या, बहुत खुशी की बात है। और आगे बढ़े कि लाइक मैच रिजल्ट चाहे जो भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं, यही करना चाहूंगा। मेरे को विश्वास था भगवान पे और मेरी मेहनत पे, मतलब कि ये कभी ना कभी तो चलेगा। फिर भी 3 साल तक ये व्हील चेयर पर मैं इसको स्कूल में छोड़ के आती थी, आर्मी स्कूल में, और उसके बावजूद भी मतलब भगवान ने इतना सुना कि मेहनत करने के बाद ये खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद इसको आर्मी स्कूल में भाई 12वीं तक करने के बाद फिर ये किरोड़ीमल दिल्ली स्कूल में पढ़ाया। हाँ, फिर वहाँ पर भी ये सेक्रेटरी रह चुका है, पढ़ाई में भी अच्छा है और अपनी मेहनत के लिए भी वो कभी पीछे नहीं हटता। हालांकि उसके हाथ भी इतने नहीं खुलते हैं, पर फिर भी पानी की बोतल है चाहे उससे वो भी नहीं ली जाती है, पर फिर भी हमने इसको हिम्मत कभी नहीं हारने दी। यही बोलते थे कि नहीं, जब भी ये रोता था कि व्हील चेयर पर जब होता था, जब भी रोता था, मम्मी सब बच्चे खेल रहे हैं, मेरा भी दिल करता है, दिल तो मेरा भी रोता था जब वो यूँ बोलता था, लेकिन फिर भी मैं यूँ कहती थी कोई बात नहीं, कभी तू भी खेलेगा। हालाँकि सब मतलब सोचते, मेरे दिल में यूँ लगता था कि सब मतलब अपने बच्चे के लिए सब कुछ खेलने के लिए लाते हैं और मैं अपने बच्चे को व्हील चेयर दे रही हूँ, मतलब बहुत ही बात का दुख लगता था। लेकिन आज उसको इस जगह पर देख के मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ।